हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एजे टेक इन्फो में। और इस बार की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली, तो गेस कीजिए, बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट मंगाया हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो सेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो ये है वो बॉक्स, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट है और जिस प्राइस में ये मिलता है उस प्राइस में इसके जैसे फीचर कहीं नहीं मिलने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये है पोको X3 का बॉक्स। अगर बॉक्स की बात करें तो ब्लैक कलर का बॉक्स है। अगर पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग फीचर दिए गए हैं, जैसे इसका प्रोसेसर दिया गया 732G गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है लिक्विड कूलिंग के साथ। और यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। और इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसा कि 64 MP कैमरा बैक का है, सामने का 20 MP और 120Hz की डिस्प्ले दी गई। तो मतलब डिस्प्ले भी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो ये अब डिब्बे को ओपन करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलते हैं और यहाँ पे आपको एक बैक कवर मिलता है। कवर की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। फोन की तरफ आने से पहले अब देखते हैं कि और इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा चार्जर मिलता है और इसकी अगर रेटिंग देखें तो 33W का चार्जर है ये। तो मतलब बहुत ही फास्ट चार्जिंग इसमें मिलने वाली है। और आपको टाइप सी केबल मिलती है। सारी चीज़ें साइड में रखते हैं, अब आते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन को रैपर से अनरैप करते हैं। ये प्लास्टिक बैग है, ग्लास बैग नहीं है, बट जो डिज़ाइन है बहुत ही शानदार लग रहा है। ये जो पोको की यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही है, आप लोगों को शायद नहीं दिख पा रहा हो, ये कई कलर में चेंज होता है। अगर फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं और जो कैमरे का बम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, IR ब्लास्टर मिलता है, मतलब फ़ोन ओन से आप TV भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये Xiaomi के फ़ोन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे आपको सिम लगाने का स्लॉट दिया गया है। अगर नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे आपके स्पीकर्स मिलते हैं और नीचे टाइप सी पोर्ट है और थैंक गॉड आपको 3.0mm जैक मिलता है। अब फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तब तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ़ोन को देखो तो फ़ोन ऑन हो चुका है, MIUI 12 पर रन करता है। सारा कुछ मैं सेटअप करता हूँ और देखता हूँ, अगर कुछ अपडेट है तो वो भी अपडेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 2 hours later तो फ़ोन को हमने सेटअप कर लिया है। अब आते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन पे। अब सबसे पहली बात करूंगा मैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की मिलती है, फुल HD डिस्प्ले, 120Hz की डिस्प्ले मिलती है। आप जैसा कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको 120Hz की डिस्प्ले मिलती है, मतलब जो डिस्प्ले की क्वालिटी होगी आप फ़ोन यूज करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आप खुद भी देखो टच रिस्पॉन्स कितना बढ़िया है, देख रहे हैं, ये है 20Hz डिस्प्ले का काम। यहाँ पे आपको जो सैम्पलिंग रेट मिलता है वो 240Hz का मिलता है। अगर आप गेम वोम खेलते हैं तब आपको समझ में आएगा जो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही मक्खन होने वाली है। तो चलिए एक वीडियो को ही प्ले करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कितनी खतरनाक है। तो ये हम गए यूट्यूब पे और कोई सॉन्ग लगाते हैं, सॉन्ग नहीं लगाते, हम अपने चैनल का ही वीडियो लगाते हैं एजे टेक इन्फो। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये है चैनल, तो मेरे चैनल की जो बहुत ही सबसे खतरनाक वीडियो है। ऑटोन भाई क्या हो रहा है? अरे यार पिक्स देख रहे थे लोग, इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाल देते हैं यार, ये सब DSLR का कमाल है भाई, बढ़िया फोन से कमाल है। हाँ यार वो तो है, पर अपना भी मन करता है इस तरीके की पोस्ट डालने का। लो यार DSLR क्या दिक्कत आ रही है। और एक सॉन्ग प्ले करके भी दिखाते हैं आपको डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही खतरनाक मिलती है, आपको जो वीडियो एक्सपीरियंस होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो मैं ये फ़ोन सबको रिकमेंड करूंगा जिसका बजट 15,000 का है और एक बेहतरीन सा फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। दोस्तों अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको आराम से मिलने वाला है। और सेकेंड थिंग जो इसकी खास बात है, आपको बॉक्स के अंदर 33W का फास्ट चार्जर मिलता है, तो है ना ये बहुत ही शानदार डील। दोस्तों अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है इसका कैमरा। कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ पे रियर कैमरा जो है मेन कैमरा इसका 64MP का मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है और सोनी का सेंसर है। दूसरी चीज इसमें आपको 13 MP अल्ट्रा वाइड है। बाकी के जो दो कैमरे हैं, एक माइक्रो कैमरा है और दूसरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा है।
और सामने की तरफ अगर बात करें तो आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। कैमरा ओपन करते हैं, ये है कैमरे का लेआउट। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे ही फीचर्स मिलते हैं, HDR और जितना भी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे फीचर्स भर के दिए गए हैं इसमें। और जो आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 4K 30fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें प्रो मोड भी दिया गया है। और इसमें आपको एक सबसे खतरनाक फीचर मिलता है, स्टडी मोड। तो मतलब जो वैसे तो इसमें EIS मिलता है, लेकिन इसका एक सॉफ्टवेयर से आपको स्टडी मोड मिलता है, जिससे आपको वीडियो बहुत ही स्मूथ आने वाली है। सेल्फी भी आपको बहुत ही शानदार मिलती है। मैं आपको लास्ट में कैमरा सैंपल दिखाने वाला हूँ, आप लोग खुद ही देखिएगा कि सेल्फी की क्वालिटी है कितनी खतरनाक है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस फ़ोन के ही कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, और जो आवाज़ आ रही है आपको इसके माइक से ही आ रही है। तो अगर थोड़ा बहुत नॉइस आता है तो वो आप एडजस्ट कीजिएगा। दोस्तों अगर इसके स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, मतलब आगे भी यहाँ पे भी स्पीकर और पीछे भी स्पीकर, जो स्पीकर के साउंड की क्वालिटी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप लोग खुद भी देखना कि स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। देख रहे हैं स्टीरियो स्पीकर है। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया, जो स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो कि आपको महंगे फोन्स में देखने को मिलता है। और अगर इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक मिलता है। लेफ्ट की साइड देखें तो आपको पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। तो फिंगरप्रिंट मैंने सेटअप कर लिया, और देखते हैं कि कितना फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। वन टच, एक सेकंड भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी अनलॉक करता है। ये जो वेरियंट मैंने खरीदा, ये 6GB रैम और 64GB वाला वेरियंट है। इसमें आपको 128GB का वेरिएंट भी मिलता है, और ये वाला वेरिएंट मुझे 15,000 रुपये में पड़ा है। और जो इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो आपका जो बजट है, मेरे हिसाब से आप 128GB वाला ही परचेस करें। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 732G प्रोसेसर गेमिंग का मिलता है क्वालकॉम की तरफ से। दोस्तों अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको अबाउट में जाते हैं तो सारी सॉफ्टवेयर की जितनी भी चीज़ें हैं आप खुद भी देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पोको लॉन्चर मिलता है, जो कि MIUI पे बेस्ड है। और अगर इसके सारे स्पेसिफिकेशन पे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 6GB की रैम मिलती है, ऑक्टा कोर CPU 732G मिलता है, और जो पैच है सिक्योरिटी पैच आपको लेटेस्ट मिलता है, एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है ये। तो सारा कुछ आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो अगर आपको पोको X3 की अनबॉक्सिंग पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस फोन की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहां से चेकआउट करें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।